नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूँ, किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊँगा, और आज के हमारे ख़ास मेहमान श्रीमान जगमेश संधू जी हैं। आप लोकतंत्र के जो चार स्तंभ होते हैं, प्रत्येक स्तंभ में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए निरंतर समाज को नई दिशा और दशा देने का काम कर रहे हैं। आदरणीय जगमेश संधू जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दर्शकों, ऐसी शख्सियत जो टेक्नोक्रेट भी है, टेक्निकल हैंडेड भी है, लीगल नॉलेज भी है, राजनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जिम्मेवारियाँ भी अदा की हैं, और समाज के विभिन्न सामाजिक आयामों पर अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं, युवाओं के लिए प्रेरणा का काम करते रहे हैं। जगमेश संधू जी से जानते हैं, उनकी जो यात्रा है, जगमेश जी, आपकी जो अभी तक की जो यात्रा है, उस यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं, ताकि वो युवा आपसे प्रेरणा लेकर जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। जी बिल्कुल सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ हूँ। मेरे पिताजी जो थे, वो एक छोटे से फौजी भर्ती हुए थे, सिपाही, और जब रिटायर हुए तो वो ऑनरी कैप्टन से रिटायर हुए हैं। मतलब एक फौजी के घर पैदा होके, और उन्होंने जो मेरे लिए मेहनत की, हमारे परिवार के लिए शिक्षा ग्रहण की, हम तीन भाई हैं, तीनों भाइयों को अच्छी शिक्षा दी। दो भाई मेरे बैंक में लगे हुए हैं जी, और एक मैं एज ए एडवोकेट आज प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 17 साल से जी। मेरे से जो सबसे छोटा भाई है, वो भी LLB LLM है जी, लेकिन वो बैंक में चले गए थे, तो उस वजह से अच्छा है। काफ़ी मेहनत की परिवार के लोगों ने, और मैं इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की जी। मैं चाहता हूं ऐसा परिवार हर किसी बच्चे को मिले। क्या बात, बहुत उम्दा। और उस बच्चे को सोचना चाहिए कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जो किया है, मैं कहीं ना कहीं उसको लौटा के दूं। क्या बात। आज से 15 साल पहले मुझे एक फौजी के बच्चे के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज मुझे गर्व है कि आज मेरे पापा को लोग जगमेश सिंधू के पापा के नाम से जानते हैं जी। मेरे शिक्षकों ने, मैंने यूनिवर्सिटी दो अलग अलग तीन चार यूनिवर्सिटी में स्टडी की है, BA कहीं से की है, MA कहीं से किया है जी, तो LLB कहीं से किया, तो दो तीन यूनिवर्सिटियों का मुझे अनुभव भी रहा है। तो आज तक शिक्षा के क्षेत्र में एक बात कहूँ तो, जो स्टूडेंट अपने गुरुजन की मान सम्मान करेगा, वो ज़िंदगी में कभी मार नहीं खा सकता। क्या बात, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। मैं 20 साल हो गए हैं करीबन, 2005 में मैंने यूनिवर्सिटी को छोड़ा था, आज 2023 आ गया, 17-18 साल हो गए हैं। आज भी हमें वही गुरुजी, वही मान सम्मान आज हमें देते हैं, और आज हम भी उनको आज देते हैं। बात रही यहाँ तक पहुँचने की, शुरुआत गांव के सरकारी स्कूल से हुई जी। पापा आर्मी में थे जी, दादा थे, अनपढ़ थे जी, खेतीबाड़ी का काम देखते थे जी। उन्होंने बच्चे का दाखिला गांव के सरकारी स्कूल में करा दिया। कुछ महीने बाद पिताजी आर्मी में थे तो हमें साथ ले गए। देश के अनेकों राज्यों में घूमने का मौका मिला, अलग अलग स्कूलों में पढ़ने का मौका मिला जी, जिसका नतीजा ये रहा कि आज हम एक गांव के माहौल से निकल के शहरी माहौल तक पहुंचे हैं, और इस मुकाम तक एज ए एडवोकेट में प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ जी। दूसरी बात, बचपन से शौक था, जिज्ञासा थी कि समाज के लिए कुछ करूँ जी। 5वीं में जब हुआ, बॉम्बे में मैं उस टाइम पढ़ता था जी, फर्स्ट टाइम मुझे मॉनिटर बनने का मौका मिला, अपनी प्रतिभा दिखाई, मुझे 5वीं 6वीं 7वीं में मॉनिटर बनाया गया बॉम्बे में, मैं स्कूल में पढ़ता था जी। उसके बाद आर्मी के बच्चे थे, ट्रांसफ़र हो जाती कभी कहीं कहीं कहीं, तो एक बिस्तर बंधा ही रहता था। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी शिक्षा एक जगह से हुई है, अच्छी शिक्षा, कहीं अच्छा स्कूल मिला कहीं नहीं मिला जी, लेकिन फिर भी संघर्ष किया, आज तक फेल नहीं हुए, लगातार डिग्री में एडमिशन लिया तो डिग्री को क्लियर किया जी। बात की जाए पॉलिटिक्स में आने की, जब मैं 12th में था, मैंने वोकेशनल से, हरियाणा वोकेशनल से 11th और 12th किया था, जहाँ मेरे को टेक्निकल के साथ, मुझे आज लोग ITI बोलते हैं लेकिन हमारे साथ वोकेशनल होती थी जी, जी। मैंने इलेक्ट्रिशियन से वहाँ से वोकेशनल किया 1993-95 के बैच में जी। टेक्निकल माइंड था बचपन से ही, टेक्निकल करने की इच्छा थी, लेकिन फादर के साथ जाना पड़ा। फादर की पोस्टिंग उस टाइम पे MP में, जबलपुर में हो गई, वहाँ पहुँच गई, नई नई पास आउट से पता नहीं था किस तरफ जाना है जी। कॉलेज का मोल था, कॉलेज में चले गए, वहाँ से BA कर लिया जी। अब फिर वही भूत सवार हो गया, अभी अब क्या करें, वापस
रिटायरमेंट के बाद आ गए रोहतक यूनिवर्सिटी में, आके एडमिशन ले लिया हमने जी। यहाँ से मैंने एमए समाजशास्त्र किया जी। फर्स्ट चांस में ही मेरी भगवान ने शुक्र किया कि मैं कभी कोई री ना आई, लगातार डिग्री क्लियर हो गई जी। उसके बाद सोचा कि अब क्या किया जाए जी। एक यूनिवर्सिटी में जाने के बाद बच्चे को माइंड में रहता है कि फ्यूचर कैसे सुरक्षित रखेगा, और हमारे माइंड में एक ही चीज़ था, अगर हमने पढ़ाई छोड़ी तो घर वालों ने शादी कर देनी है। ये बातें लड़कियां तो सोचती थी, कहीं पढ़ाई छोड़ दी तो शादी हो जाएगी। जगमेश संधु जी भी ये सोचते थे कि भी पढ़ाई छोड़ी और शादी हो जाएगी। सर मैं ये चाहता था कि मैं जब शादी करूँ तो कम से कम मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। क्या बात। मैं फादर ने मुझे अगर मैंने 50 रुपये मांगे तो फादर ने मुझे 100 रुपये दिए हैं जी। और एक फ़ौजी की जो मेहनत की कमाई है उसका मुझे पता था कि मैं 8वीं 9वीं में से था, जब से मुझे पैसों का थोड़ा लेन देन का था, माँ थी अकेली अनपढ़ थी घर पे, मैं जब से खड़ा हुआ हूँ तो मुझे पता है कि घर की लेन देन का कैसे हुआ था। तो मुझे पता था कि मेरे पापा जब 100 रुपये भेजते थे मनी ऑर्डर तो हम उसमें से 50 रुपये खर्च 60 रुपये खर्च करते थे जी। जी मेरे ताऊ जी मुझे बताते थे तेरे पिताजी ने 70 रुपये भेजे हैं, 100 रुपये भेजे हैं, 80 रुपये भेजे जी। तो पहले मनी ऑर्डर चलता था जी। जी जी उसी से सर मुझे इतनी जिज्ञासा हुई थी कि मेरे पापा बर्फ़ में रहते हैं, पहाड़ियों में रहते हैं, गोलियों में रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और उन्हीं की मेहनत थी कि वो एक सिपाही भर्ती होके आर्मी का जो हाईएस्ट रैंक है जी, ऑनरी कैप्टन तक वहाँ पहुँचे। जिस प्रकार आप लेफ्टिनेंट भर्ती होके एक जनरल रिटायर होते हो, वही पद है सेम जी। उसका एक सर्वोच्च था उनका। उससे आगे वो जा नहीं सकते थे जी। जी जी आप एक सिपाही भर्ती होके कैप्टन से ऊपर नहीं जा सकते जी। अगर आपने कमीशन ले लिया एक अलग बात है, लेकिन एक सिपाही की प्रमोशन वहीं तक जा सकती थी जी। वो चैनल बंद हो जाता, वहाँ से आगे बंद हो जाता, प्रमोशन का चैनल बंद हो जाता जी। वो राष्ट्रपति अवार्ड की बात की जाए तो वो एक राष्ट्रपति द्वारा सम्मान दिया जाता भारतीय सेना को, वो उन्होंने लिए, लेफ्टिनेंट बने, उसके बाद वो कैप्टन बने जी। नहीं तो बहुत से लोग हमारे जैसे सूबेदार से लेफ्टिनेंट रिटायर हो जाते हैं, सूबेदार मेजर से रिटायर हो जाते हैं, लेकिन उनको एक कैप्टन तक की उपाधि मिली, इससे हम काफ़ी खुश हैं जी। ये हमारे बुजुर्गों का ही नतीजा है कि वो इस तक पहुँचे हैं। बेसिकली गाँव कौन सा है सर? मेरा पैतृक गाँव मेरड़ा है, जो तहसील जुलाना, जिला जींद में पड़ता है जी। गरीब परिवार था, चाचे ताऊ 6 थे, सभी गांव में रह के अपनी मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पालन पोषण किया। मेरे पिताजी आर्मी में भर्ती कराए बुजुर्गों ने, और उनकी मेहनत से आज हम तीनों भाई पढ़ पढ़ के यहाँ तक पहुँच पाए हैं जी। जगमेश जी, जिस प्रकार से आपने जिक्र किया आप जुलाना की धरती से हैं, और निकट भविष्य में जुलाना नगर पालिका इलेक्शन का विगुल भी बजने वाला है, और आप लोकतंत्र के चारों स्तंभों में बहुत बखूबी आपने अपना अपना स्तर पर रोल अदा किया है, बतौर पत्रकार आप रहे हैं, राजनेताओं को आपने परखा है, बतौर एडवोकेट रहे हैं, बतौर आप सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं, बतौर आप पॉलिटिशियन भी रहे हैं, आप लीगल सेल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी आप रहे हैं। तो इस प्रकार से जुलाना नगर पालिका का जो भविष्य में इलेक्शन होना है, जुलाना की जनता की समस्याओं का आपको भली भांति से पता है, उन लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं और किन मुद्दों पर ये जुलाना नगर पालिका इलेक्शन होने वाला है? बिल्कुल, राजनीति की बात की जाए तो मेरा सबसे बड़ा चुनाव जिला परिषद चुनाव था, जो 2005 में मैंने जुलाना से ही लड़ा था। और उस टाइम पे जुलाना में मौजूदा जो सरकार थी उसने जुलाना को एक शहर से गांव का दर्जा दे दिया था, ग्राम पंचायत बना दी थी। जुलाना को शहर से गांव का दर्जा दे दिया था, जो हमारा काला दिन कहा जाएगा, क्योंकि जो शहर, बिल्कुल शहर को हमेशा बढ़ाने की सोचते हैं, लेकिन जो उस समय की मौजूदा सरकार थी उन्होंने उसको दर्जा छीन के ग्राम पंचायत बना दी थी। और उस समय मुझे वहाँ पे चुनाव लड़ने का मौका मिला। जुलाना उस टाइम पे ग्राम था। उस समय किन की सरकार थी सर? मौजूदा चौटाला साहब के समय की बात है ये। उस टाइम पे कुछ नगर पालिकाएं जो तोड़ के गांव बनाए थे, लेकिन बाद में उनको फिर दोबारा से नगर पालिका का दर्जा दे दिया गया था। तो जिस टाइम मैंने चुनाव लड़ा 2005 में, तो उस टाइम पे जुलाना एक गाँव था जी। बतौर जुलाना के साथ साथ मेरे पास 10-12 गाँव आते थे मेरे जुडिक्शन में, जो मेरा एरिया था, मेरा चुनाव लड़ने की प्रीति थी जी। तो जुलाना को मैंने उस टाइम एक गांव के रूप में भी देखा है, और उससे पहले एक शहर के रूप में भी देखा है, और आज भी हम एक शहर के रूप में देखें। राजनीति की बात की जाए तो जुलाना में राजनीति करने के लिए तो लोग बहुत आते हैं जी। कोई भी विधायक बना है उसने कभी भी अपने आप को जुलाना में स्टेबलाइज नहीं करने की सोचा। वो या तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर रहते हैं, किसी बड़े शहर में जाके रह लेते हैं जी। राजनीति का समय आता है वोट मांगने का, तो सभी राजनेता वहाँ पहुँच जाते हैं जी। जुलाना में एजुकेशन के मामले में पिछड़ा हुआ था, हर चीज़ के मामले में पिछड़ा था। अभी हम कह सकते हैं कि जुलाना में गवर्नमेंट कॉलेज है, आईटीआई है जी, हॉस्पिटल है सीएचसी लेवल का। लेकिन बात की जाए, इतनी पुरानी मंडी होने के बाद भी, इतना पुराना शहर होने के बाद भी, इतनी पुरानी नगर पालिका होने के बाद भी,
वहाँ पे वो विकास नहीं हो पाया जो एक शहर में होना चाहिए। आप एक रेजिडेंशियल के लिए प्लॉट नहीं मिल पाता आप वहाँ पे, आज भी ये हालात हैं। आप छोटे से छोटे शहर में चले जाइए, कोई हुड्डा का सेक्टर है, कोई प्राइवेट सेक्टर है, एक रेजिडेंशियल सोसाइटी अच्छी बनी है, लेकिन जुलाना में वो भी नहीं है। हमें वही पुराने कॉलोनियों में रहना पड़ रहा है, वही गली बीड़ी हैं, टूटी हुई गलियां रहती हैं, करोड़ों लाइट्स की स्ट्रीट लाइट कहने को हर साल नगर पालिका लगवाती है, लेकिन आप देखेंगे कि हकीकत में वहाँ पे रोडों पर स्ट्रीट लाइट नहीं जलती मिलेंगी आपको। पोलों का तो लाइट नहीं है, लाइट है तो पोल टूटा होगा जी। हकीकत है जो ये है। दूसरी बात, सबसे पुरानी मांग हमारा उपमंडल बनाने की थी, मौजूदा सरकार में उसको घोषित कर दिया गया कि उपमंडल बना दिया जाएगा जी। लेकिन उपमंडल बनाने की घोषणा कर दी गई है, बना दिया गया है, कैबिनेट ने पास कर दिया गया, लेकिन धरातल पर अभी तक वहाँ पर उसका कोई काम नहीं हो पा रहा जी। जबकि उपमंडल स्तर का अगर कोई शहर है, कस्बा है, तो उसमें विकास के नाम पे काफ़ी चीज़ें होनी चाहिए जी। लेकिन जुलाना में नहीं है, वहाँ पे अधिकारियों की कमी है जी, स्थाई कर्मचारी वहाँ नहीं मिल पाते, एक एक कर्मचारी के पास दो दो तीन तीन जगह का काम होता है, लोगों को भटकना पड़ता है। विकास की बात की जाए तो जुलाना में गली नाली तो हर कोई बना देता है पार्षद जी, एक सोच पता नहीं कहाँ रह गई है लोगों की, कि मुझे इस गली का निर्माण कराना, मुझे इस नाली का निर्माण कराना, मुझे पुलिया का निर्माण, जबकि सरकार द्वारा करोड़ों रुपए दे के वहाँ पे कर्मचारी छोड़े गए हैं जी, प्रत्येक विभाग में जी। हम कभी ध्यान नहीं देते कि हमारे कर्मचारी इस समय पर आकर अपने विभाग का काम करते हैं कि नहीं करते जी, उनकी कोई जिम्मेवारी निर्धारित नहीं है। कोई भी राजनेता जाके ये पूछने की हिम्मत नहीं करता कि आप समय पर क्यों नहीं आते जी, या समय से पहले क्यों गई, जनता से फीडबैक भी नहीं लिया जाता, कभी नहीं पूछा जाता। लोगों को काम होता है, किसी अधिकारी के पास 9 बजे दफ्तर खुलने का समय है, 10 बजे 12 बजे तक कर्मचारी नहीं मिलता, अधिकारी नहीं मिलता, लोग चक्कर काट के वापस आ जाते हैं जी। आप देखेंगे हकीकत में तो वो लोग ऑफिस में नहीं होते, उनकी छुट्टियां नहीं लगी होती, लेकिन उनकी ड्यूटी पक्की हो जाती है। जैसे पीछे अभी सीएम फ्लाइंग ने छापा भी मारा है, वहाँ कुछ जगह मतलब कर्मचारी नदारद दिखे, उन्होंने सीआईडी ने, सीएम फ्लाइंग ने उनकी रिपोर्ट ऊपर बना के भी भेजी है, आपकी उन बातों को पुख्ता कर रही है वो सीएम फ्लाइंग के छापे। रियलिटी यही है कि सर, मैं जब बतौर पार्षद था, मेरे पास हमारा जुलाना हॉस्पिटल होता था, करीबन 40 गाँव का एक हॉस्पिटल मात्र वो है, उस समय डॉक्टरों की इतनी भारी कमी होती थी, कांग्रेस की सरकार थी, मेरा बतौर पार्षद होने का मेरा ड्यूटी बनती थी, विधायक जी बाहर रहते थे, पूरा हल्का उनके पास होता था, लेकिन जुलाना मेरा था तो मेरी जिम्मेवारी बनती थी कि मैं उसको देखूं। मैंने अस्पताल में जाकर अधिकारियों को एक ही बात कही थी कि आपकी ड्यूटी बनती है आप समय पर आएँ, मरीजों को देखें और चले जाएं, और जिस कर्मचारी को काम नहीं करना वो अपना इलाका छोड़ दें जी। और ये नतीजा है, आप आज देखिए, आप 4-4, 5-5 डॉक्टर वहाँ पर परमानेंट रहते हैं, कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन उनके कहीं ना कहीं आज कोई पूछने वाला नहीं है कि आप, हम एक डॉक्टर को 1,00,000 रुपए तनख्वाह देते हैं तो उसकी इतनी तो ड्यूटी बनती है कि वो मरीज को सुबह 9 बजे बैठ के 2 बजे तक 1 बजे तक ओपीडी करे जी। एक टीचर को हम 1,00,000 रुपए पे कर रहे हैं, उसकी इतनी ड्यूटी बनती है कि हमारे बच्चों को पढ़ाए जी। एक कर्मचारी की इतनी ड्यूटी बनती है, सफाई कर्मचारी हमने सुबह लगाए हुए हैं कि वो सुबह आके सफाई करें और शाम को चले जाएं जी। लेकिन 2 घंटे सफाई करते हैं उसके बाद चले जाते हैं, अब उनका पता नहीं होता दोपहर को कहाँ हैं वो। नगर पालिका में कर्मचारी नहीं मिल पाते, क्या लोगों की ये एक ही सोच है कि हमारी गली बन जाए, हमारी नाली बन जाए? इनसे सुधार नहीं होता सर, सुधार होता है आपका जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन कैसे रखा जाए जी, अधिकारियों की जवाबदेही तय कैसे की जाए जी, कर्मचारियों की जवाबदेही कैसे तय की जाए। लोग मुझे कहेंगे कि तो खतरनाक नेता है, ऐसे कर्मचारियों को परेशान करेगा, लेकिन बात हकीकत है, कड़वी लगेगी। हमारे कर्मचारी जब तक हमें नौकरी नहीं मिलती तो हमें कर्मचारी बहुत अच्छे लगते हैं, जिस दिन हम उस सीट पर पहुंच जाते हैं तो हम अपना काम भूल जाते हैं जी। जगमेश जी, आपने चर्चा के दौरान कहा, स्वच्छता का एक विषय आपने उठाया कि सफाई 2 घंटे की उसके बाद दिखाई नहीं देते, जुलाना में कचरा प्रबंधन का विषय भी मेरे ख्याल से नज़ारा दिखाई देता है, पार्कों की हालत भी बद से बदतर है, सड़कों की हालत भी बद से बदतर है, आपका हाईवे बहुत अच्छा है लेकिन उसके बाद जो जुलाना शहर की तरफ आप बढ़ते हैं आज भी टूटे फूटे रोड हैं और उन रोडों की वजह से निरंतर एक्सीडेंट होते हैं, उस विषय की तरफ आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल यही कहने को, तो हम नेशनल हाईवे से जुड़े हुए हैं जी, उसका बाईपास बना दिया गया, वो ठीक है, अच्छी सड़क है, विभाग द्वारा NHAI द्वारा बना दिया गया, लेकिन जो पहले से हमें शहर को जोड़ता था सड़क, आप पिछले 4 साल से उस सड़क पर टांकियां तक नहीं लगाई गई हैं, आप उससे अच्छा कच्चे रोड से निकल जाओ, आपकी गाड़ी में कम से कम कोई नुकसान नहीं होगा। हो सकता है जगमेश जी कागजों में लगा दी हो टांकी, है सर धरातल पे, आप कागज झूठ बोल सकते क्या? धरातल देखिए ना आप जी, धरातल पे तो कुछ है नहीं,
हमारे विधायक को ये सोचना चाहिए, अखबारों में आके फ़ोटो खिंचवा लेते हैं कि हमने इतना विकास कर दिया, इतने करोड़ रुपए लगा दिए। अरे जिस गांव की एंट्री के रोड का रास्ता नहीं है, जिस गांव के लोगों को पीने का पानी नहीं है, और आप कहते हैं हमने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। मैं तो ये चाहता हूं कि हमारे जुलाना की कहते हैं कि गांव के औकात तो उसके बिटोड़े बता देते हैं जी। अगर आपके घर में जाने का रास्ता सही है तो आपका घर अच्छा हो सकता है जी, लेकिन आप अगर आप घर करोड़ों रुपये लगा के बैठे और आपके घर जाने का रास्ता नहीं, वो आप घर काम कोई काम का नहीं है जी। हमारा विधानसभा क्षेत्र इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, कितना भी पैसा खर्च कर दो वही कम, सबसे कम है। पानी की समस्या हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा रही है, बाढ़ के पानी की सबसे ज़्यादा, पीने के पानी की भी समस्या है, बाढ़ के पानी की भी समस्या है, खेती के पानी की भी समस्या है जी। उसका सुधार कुछ हुआ है? काफ़ी हद तक हुआ है। बाढ़ के पानी के लिए पिछली दो फसलें हमारी ख़राब हुई हैं, अब आगे भगवान ना करे ऐसी कोई नौबत आए, सुधार हो रहा है। लेकिन शहर की बात की जाए, शहर कहीं भी कहने को नहीं है कि जुलाना एक शहर है, उससे पीछे से बसे हुए छोटे छोटे शहर आज एक शहर का दर्जा ले चुके हैं। लेकिन जुलाना जहाँ था 50 साल पहले आज भी वहीं है। जगमेश जी, आपके इस जुलाना नगर पालिका में लगभग 13 वार्ड हैं और 13 वार्डों में अलग अलग तरीके से काम चलते हैं, तो राजनीतिक के नज़रिए से अगर हम देखें 13 वार्डों में, आपकी नज़र से ऐसा कौन सा वार्ड है जो बिल्कुल वास्तव में पिछड़ा हुआ है, जहां यदि कोई नगर पालिका का भावी चेयरमैन बनता है तो उसको उस वार्ड से अपने काम की शुरुआत करनी चाहिए? सर बिल्कुल, हमारे वहां पे दो क्षेत्र ऐसे गिने जाते हैं जहां मतलब एक गरीब परिवार रहते हैं, अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। वैसे तो आजकल सबको लोग रह रहे हैं, बाहर से आगे लोग बसे हैं, जुलाना काफ़ी बढ़ चुका है जी। एक तो लाइन पार्क क्षेत्र बोला जाता है जी, और एक बोला जाता है रजबाया पार्क क्षेत्र जी, जहाँ पे 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो उनकी पॉपुलेशन है वहाँ पे अनुसूचित जाति के लोगों की है, और ये लोग वैसे ही कमज़ोर होते हैं जी, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, लेकिन इनकी तरफ विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। अगर कोई भी चेयरमैन बने, मैं तो ये चाहता हूँ, खाए हुए तो सब खिला देते हैं, लेकिन आप भूखे को खिलाओगे ना तब पता लगेगा। क्या बात है, बहुत बड़े। जगमेश जी, संधू साहब, जिस प्रकार से आपने बताया कि अंतिम व्यक्ति से शुरुआत करनी चाहिए, जहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ विकास करिए, जो भावी चेयरमैन बनेंगे नगर पालिका के, वो जहाँ जिस इलाके में जिस वार्ड में कोई काम नहीं हो वहाँ से उस काम की शुरुआत करें, तो एक अच्छा संदेश जा सकता है। जगमेश जी, क्या आपको समझ में नहीं आता कि जो नगर पालिका का चेयरमैन बनता है उसको अपने अधिकारों का भी पता होना चाहिए, अपनी जिम्मेवारियों का भी पता हो, तभी वो अपने इलाके की विकास को गति प्रदान कर सकता है और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को काबू कर सकता है वहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए? बिल्कुल, एक पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। आज चाहे गांव के सरपंच की बात की जाए या नगरपालिका के पार्षद की बात की जाए या चेयरमैन की बात की जाए, लोग अधिकारी के पीछे भाग रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि आप पार्षद हो, ये कर्मचारी आपके काम करने के लिए दिए गए हैं, ना कि आप इनके पीछे भागे जी। 90% पार्षदों को ये नहीं पता कि उनकी पावर क्या है जी। 90% पार्षदों को ये नहीं पता कि आपको कर्मचारी के पास, आपके अधिकारी के पास काम कैसे भेजना है या उनसे काम कैसे लेना है जी। रूटीन चलता आ रहा है, मीटिंग की फाइल डाल दी, सर करवाइयो, करवा देंगे, लेकिन उनको ये कि नहीं पता कि आधिकारिक कार्य कैसे होते हैं। आप वर्बली बोल देते हो लेकिन डॉक्यूमेंटली वो काम नहीं बनवा पाते आप लोग जी। यही कारण है कि हमें हर काम डिले हो रहे हैं और पार्षद का और कर्मचारियों का तालमेल भी इसी वजह से खराब होता है। वो कहते हैं कि जी मैंने आपको कल कहा था, आपने काम नहीं करा, लेकिन वो अधिकारी के पास वर्बली तो कह दिया हाँ, लेकिन लिखित में कोई काम नहीं है, नहीं उसका जवाब तैयार नहीं कर पाएगा, वो जवाबदेही नहीं है उसकी जी, जी, जी। अधिकारी के पास काम कराने के लिए आपको हर चीज़ आपको लिखित में भेजनी पड़ेगी, हर प्रस्ताव आपको भेजना पड़ेगा सरकार को, उसमें से जो आपके काम आते हैं उसको आप एक मीटिंग करके एक प्रॉपर तरीके से व्यवस्था करके उसको पास कीजिए, जो हमारा कोरम होता है उसको मेंटेन रखिए। और अधिकारी क्यों नहीं काम करेंगे? करेंगे, वो काम करने के लिए ही बैठाए गए हैं। राजनेता तो बदल सकता है लेकिन अधिकारी नहीं बदल सकता। अधिकारी को तो हर सरकार के साथ काम करना है, हर हम 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन अधिकारी तो कोई 15 साल नौकरी करेगा, कोई 20 साल करेगा, उसको तो हर के साथ काम करना है। अधिकारी कमज़ोर नहीं है, उसे काम करवाने वाले कमज़ोर हैं जी। जी जगमेश जी, जिस प्रकार से आपने बहुत बड़ी बात कही है, हम देखते हैं राजनीति के क्षेत्र में, चाहे वो विधायक है, चाहे कोई एमपी है, चाहे कोई मुख्यमंत्री है, चाहे कोई मंत्री है, अधिकारी मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, किसी भी योजना को नॉट फिजिबल की तरफ बढ़ा देते हैं,
जब तक उसकी डॉक्यूमेंटेशन या प्लानिंग तैयार होती है और जब उसकी रिपोर्टिंग की बात आती है तब तक वो उस पर रिपोर्टिंग करते हैं कि ये नॉट फिजिबल है, तब तक वो जो उसके कार्यकाल है वो 2.5 साल उसके वो समाप्त हो जाते हैं, जो उसने एक चाहे वो जनप्रतिनिधि उसने जो विजन बनाया था समाज के लोगों को देने का उस विजन में वो बाधा बन के उभर के आते हैं। तो उस स्थिति में आप क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार से अधिकारियों को जो मिसगाइड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को, जनप्रतिनिधि को, उनको किस प्रकार से आप कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे निर्बाध तरीके से जनता तक जनता की सेवाएं पहुंच सके? सर बिल्कुल, एक पार्षद की ड्यूटी बनती है वो अपने क्षेत्र का अधिकारी और कर्मचारी से ज़्यादा जानकार रखता है, क्योंकि उस गली से जुड़ा हुआ, उस मोहल्ले से जुड़ा हुआ, उस कॉलोनी से जुड़ा हुआ, उसकी जो मांग है गली के लोगों की वह जो एक पार्षद बता सकता है अधिकारी को, शायद उस अधिकारी को एसी में बैठे को नहीं पता जी, क्योंकि ग्राउंड पे है नहीं वो, धरातल पे कोई भी कर्मचारी नहीं आता। दूसरी व्यवस्था हमारे साथ आजकल क्या हो गई है, अधिकारियों ने अपने नीचे भी एक अनऑफिशियली लोगों को लगाया हुआ है जो कि बहुत अवैध है, जिस तरीके से वो लोग कहते हैं जा यार एक बार गली को देखा बन गई कि नहीं बन गई, मिट्टी पड़ गई कि नहीं पड़ गई, जबकि एक ड्यूटी उसकी तकनीकी विभाग के जेई की है, एसडीओ की है। 90% काम मैंने धरातल पर जाके देखे, बतौर पत्रकारिता जब मैं काम करता था जी, तब मैंने फील्ड में जाता था तो अधिकारी ने कभी जाके शायद फील्ड पे काम नहीं चेक किया होगा, सिर्फ वो उस दिन जाता है जिस दिन वो काम कंप्लीट हो जाता है और पेमाइश करनी होती है, उसको ये भी नहीं पता होता पेमेंट का लगा, जिस दिन पेमेंट का विषय होता है बिल्कुल फाइनल जब काम हो जाता है तब वो अधिकारी जाके देखता है, अरे अच्छा इतना लंबा काम हो गया, तब वो पेमाइश के लिए जाते हैं और तब उनके बिल बनाते हैं। अगर वो समय रहते शुरुआत से लेकर आखिरी तक उस व्यवस्था को देखें, मॉनिटरिंग करें, उस काम की क्वालिटी भी आएगी जी, उस काम को समय पे भी पूरा किया जा सकता है। जो बात कह रहे थे कि डिले हो जाते हैं जी, अगर समय रहते पार्षद है, एमपी है, एमएलए है, वो बहुत बड़ी चीज़ है जी, उनकी तो फिर भी सब लोग सुन लेते, लेकिन एक पार्षद की शायद कोई सुनने वाला ना हो, उसको एक छोटा मानते हैं, अभी छोटी सी लेवल का है, 10 गलियों का एमपी है, इसको कौन सुनेगा, लेकिन उनको पता है जो एक एमपी अपने क्षेत्र में काम कराता है उसका क्षेत्र उतना बड़ा है, उस पार्षद का क्षेत्र भी उतना ही बड़ा है जी, वो अपने लिए भी उतना ही संघर्ष करे जितना एक एमपी अपने क्षेत्र के लिए करता है, एक एमएलए अपने हलके के लिए करता है, उस पार्षद को भी उसी तरह लड़ना चाहिए, तब वो लोगों के लिए काम कर पाएगा। लेकिन हमारी दुर्भाग्य है कि हम जो भी नेता चुनते हैं उस समय तो हम भाई भतीजावाद जाति व्यवस्था में पड़ जाते हैं, जब इलेक्शन खत्म हो जाता है और काम करने की बारी आती है तब हम कहते हैं कि हमारा पार्षद गलत बन गया, हमारा चेयरमैन गलत बन गया, उसके लिए स्वयं हम जिम्मेवार हैं, बनाने वाले हम लोग होते हैं जी। जब इलेक्शन के 10 या 15 दिन होते हैं जब तो हम अपनी जाति व्यवस्था में गोत्र में उसमें घुल जाते हैं और उसके लिए हम अच्छे बुरा कुछ नहीं देखते, वोट डाल के हम बना देते हैं, और जब काम करने की बारी आती है तब कहते हैं कि हमारा पार्षद अच्छा नहीं बन पाया यार, उसने काम नहीं करवा रहा। हम अपने आप को अंदर झांकें, ईमानदार पार्षद चुने, ईमानदारी से ही वोट दें, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी ईमानदारी बची है आप काम कराइए, आपके काम 100 की बजाय 120% नज़र आएंगे जी। रही अधिकारियों की बात, अधिकारी को हम बोल देते हैं हमारे तो ऐसे चोर बैठे हैं, ऐसा नहीं है, अधिकारी भी ईमानदार हैं जी, लेकिन उसे ईमानदारी से काम करवाने वाला चाहिए और ईमानदारी से वो काम करते हैं, पहले खुद ईमानदार होना पड़ेगा तब अपेक्षा कर सकते हैं कि सामने वाला ईमानदार होगा। अगर मैं अपने आप को साफ रखूंगा तो मेरे सामने वाला अपने आप साफ हो जाएगा जी, और वो साफ होता है जी। किसी को रिश्वत देने से पहले हम रिश्वत देते हैं इसलिए वो लेता है जी, आप देना बंद कर दो लेने वाला बंद हो जाएगा, रास्ता ही नहीं है उसके पास, नहीं है। काम धरातल पर होते हैं, लोग कहते हैं कि खा गया खा, कोई नहीं खाता जी, खाता कोई नहीं है, हम खिलाते हैं जी। मुझे जल्दबाजी में कोई काम कराना है तो मैं जल्दबाजी में उसको कराऊंगा, पता है कि एक काम का लिमिट है उसको करना पड़ेगा, 10 दिन में 6 महीने में 10 दिन करेगा वो जी, हो के आएगा आपका काम, आप संतुष्टि तो रखिए, पेशेंस रखें, आप शांति तो रखिए कुछ, आप उस काम को बढ़ाने का तरीका तो चलिए, गलत तरीके से जहां हम गलत काम कराते हैं वहीं लेन देन करते हैं जी, सही काम के लिए कहीं कोई जरूरत नहीं होती, ना कोई अधिकारी या कर्मचारी ऐसा काम करता है, उसको भी अपनी नौकरी करनी है, उसके भी बच्चे हैं, लेकिन हम लोग जानबूझ के किसी की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए गलत काम करते हैं और करवाते हैं जी। जगमेश जी, आपसे चर्चा करके हमें बहुत अच्छा लगा, खुद रिवॉल्यूशन इंडिया गौरवान्वित महसूस करें आपसे इस चर्चा करके, और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। आप जिस भी फील्ड में आप हैं, चाहे आप नगर पालिका के पार्षद हैं, चेयरमैन हैं, विधायक हैं, सांसद हैं,
आप मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, आपका जो भी अधिकार क्षेत्र है, बसरते आप उस जज्बे के साथ, उस मेहनत के साथ, उस ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का अगर आप ईमानदारी से निर्वहन कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर देश को स्वर्ग बनाने में कभी कोई किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप सब जानते हैं, सब बुद्धिजीवी हैं। आज के समय में मुद्दे सिर्फ इन्हें चुने मुद्दे हैं जिन पर पूरे समाज का विकास और उत्थान निर्भर करता है। उन सब मुद्दों को यदि सब मिलकर नगर पार्षद अपने तरीके से, चेयरमैन, नगर पालिका चेयरमैन और विधायक, मंत्री, सांसद सब मिलकर कोऑर्डिनेशन से विकास की तरफ गंगा बहाने का प्रयास करें, तो ऐसी कोई विषय नहीं है कि कहीं कोई किसी प्रकार से विकास में कोई बाधा बन सकेगा, ना ही वो बाधा बन सकता है, ना बाधा बनने का प्रयास करेगा। और मैं आपसे एक और विशेष बात कहना चाहता हूँ, विषय आपका है, आप सजग नागरिक हैं, देश के सजग प्रहरी के रूप में काम कीजिए, अपने वोट की कीमत को पहचानिए, आपकी एक वोट की कीमत आपको समाज को, देश को, जिले को, नगर को एक नई दिशा और दशा दे सकती है। सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को आप राजनीति के क्षेत्र में लेके आइए ताकि एक सुनहरे भारत का सपना साकार हो सके। देखते रहे रिवॉल्यूशन इंडिया, फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।